जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये 8 मई का वीडियो है। उस टाइम मैं वहीं पर थी पिछले हफ्ते, और आपको बताएं इसमें महाराज जी का बहुत सुंदर प्रवचन है। महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे हवा और कृपा दोनों होते हैं पर दिखाई नहीं देते, तो ये वीडियो बहुत अच्छा है, आप पूरा वीडियो को देखिए। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, जो कि ऊपर बैठे हैं आप सभी के लोग नीचे आ पाए। जय श्री राम।
बालाजी की महिमा निराली है, सबकी झोली भरते ये भंडारी है, दुखियों के दुख मिटते, बाधाओं की बाधाएं मिटती, भूत वालों के भूत भगते, रोग वालों के रोग मिटते, बालाजी सब रोते हुए पागलों को हंसाते हुए रहे। पर हवा और कृपा दिखाई नहीं देती, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती, पर दोनों होती हैं। तो मैं दिखाई जरूर नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा परचानी बना, परचानी मिला, बहुती नहीं मिली, लेकिन बालाजी की कृपा तो तुम पर हो ही चुकी है। तुम पर सन्यासी बाबा की कृपा हो चुकी है, उन्होंने तुम्हें बुला लिया, अर्जी लगवा दी, परिक्रमा करवा लिए, तुम्हारा मन बागेश्वर बालाजी के चरणों से जोड़ दिया, और तुम्हें सपने में बंदर दिखाई पड़ गए या दादा गुरु जी दिखाई पड़ गए, मतलब तुम्हारी अर्जी तो स्वीकार हो चुकी है। बस पर्चा के कागज की जरूरत है, पर पर्चा की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारा मन संतुष्ट रहे, तुम्हारे मन को संतुष्टि मिले, तुम्हारे सुलझे हुए उलझे हुए प्रश्नों के जवाब मिल जाए, तुम्हें मन की सभी तरंगों के जवाब मिल जाए, इसलिए हम पर्चा बनाने का दरबार लगाते हैं। वरना बागेश्वर धाम के बालाजी भगवान तो अद्भुत बालाजी है, जो दीन दुखियों के दाता हैं, जिनका कोई नहीं है उनके दाता हैं, कलयुग के राजा हैं, स्वयंभू हैं, सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी वो सुनते हैं। इसलिए आज हमने प्रण लिया कि सुबह से दरबार लगाएंगे, चकित होंगे कि हमने 7 बजे ही पूजा पाठ करके नहा धोकर टंडन मंडन लगा करके तैयार हो गए। 7 बजे तो कुछ रात के लोग मिलने वाले रह गए, उन्हें फ्री किया, बाहर निकले तो रैलिंग के बाहर हमारा निवास हॉल दरबार ऐसे घेरे थे जैसे हम बर्फ बेचने आए हैं। उन्हें भगवती बाकी गाड़ी पर बैठ कर यहाँ आ गए, जरूर 8 बज गए, लेकिन आज का दरबार गर्मी होने के पहले ही पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन रुको, दोपहर में तुम्हें भोजन का प्रसाद का समय मिलेगा, सोने का समय मिलेगा, हम अपना काम निपटाते हुए शाम को फिर बैठेंगे और एक एक करके सबको भभूति देंगे, ताकि सन्यासी बाबा की भभूति का कमाल हो जाए। रात तक बांटेंगे, दो दो लाइन चलवाएंगे, ताकि सबके घर पे सन्यासी बाबा की भभूति पहुंच जाए। सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, क्या कर गई, कमाल कर गई, हाँ कमाल कर गई, कमाल कर गई, हाँ कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति, मेरे बाबा की भभूति, हाल कर गई, हमें हाल कर गई, उसे हाल कर गई, हार कर गई, हम हार कर गई, खुश मेरे बाबा की भभूति, कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति, कमाल कर गई, सन्यासी बाबा की भभूति, तो मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, मेरे बोलो मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गई, खुशहाल कर गई, हमें हाल कर गई, खुश
खुश है, खुश हाल कर गई, हनी हाल कर गई, खुश है मेरे बाबा की भभूती, हरियाणा से
काम ठंडे हो गए। जो बीच में ये ध्वज लिए भैया विराजमान है बेटा आ जाओ, हाँ खड़ा हो जा, आ जा, जो नीली टी शर्ट पहने हुए ध्वज लिए ये हैं उनको जरा प्रवेश करवा देना बेटा। आप सभी से अनुरोध है शायद 5 बजे के बाद 3 नंबर गेट और 4 नंबर गेट से जो गुरु भाई थे 5 नंबर गेट 4 नंबर गेट से और गुरु बहनों को 3 नंबर गेट से प्रवेश करना है। शायद 5 बजे के बाद प्रवेश द्वार प्रारंभ होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी प्रसाद पा करके आराम से आपको वहाँ अंदर दरबार हॉल में जितने लोग भरेंगे प्रसाद के लिए जाएंगे उसके बाद
शाम को 5 बजे के बाद कुछ गुरुदेव भगवान नए दरबार हाल में विराजमान होंगी और वहीं पर कुछ गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन आप सभी को प्राप्त होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर